नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बीते गुरुवार बीसीसीआई ने इंग्लैंड के भारत दौरे का ऐलान कर दिया है और बीसीसीआई ने यह बात भी कह दी है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो भारत में ही सीरीज खेलेगी भारत के खिलाफ, यानी करीब 10 महीने बाद भारतीय सरजमी पर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी होगी। बड़ी बात यह है कि कोरोना केसेस के बावजूद यहां पर पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ सिर्फ 3 स्टेडियम में यह पूरा दौरा जो है वो फाइनलाइज किया गया है। ऐसे में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी को लेकर जो फैंस की डिमांड थी बीसीसीआई से कि वो एक फेयरवेल मैच डिजर्व करते हैं और उन्हें फेयरवेल मैच दिया जा सकता है, तो इस पर बीसीसीआई की मीटिंग में बड़ा फैसला हो सकता है। खबरों की माने तो बीसीसीआई धोनी को फेयरवेल मैच देने का सोच रहा था और अगर क्राउड यहां पर कुछ परसेंटेज में अलाउ किया जाता है तो T20 फॉर्मेट में एमएस धोनी की टीम में वापसी हो सकती है और उन्हें एक अच्छा फेयरवेल मिल सकता है। धोनी ने बीती 15 अगस्त को शाम 7:30 बजे ऐलान कर दिया था कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि धोनी के रिटायरमेंट के बाद ये तमाम खबरें आ रही थीं कि क्या उनको वापस लाया जा सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी कि एमएस धोनी को एक बेहतर यहां पर वो मिल सकता है और बहुत जल्द एमएस धोनी को आप रांची के स्टेडियम में बेहतर क्रिकेट खेलते हुए देख सकते हैं। बड़ी बात यह है कि यहां पर एक जो बड़ी खबर थी वो यही है कि इंग्लैंड सीरीज के लिए यहां पर बीसीसीआई कंसीडर कर सकता है एमएस धोनी को। नीली जर्सी में एक बार फिर एमएस धोनी को वापसी में हम देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स वापस नहीं लौटे हैं। आदिल रशीद लौटे थे, एबी डिविलियर्स लौटने की सोच रहे हैं, तो तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन उसके लिए धोनी को घरेलू क्रिकेट में भी प्रदर्शन करना होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से बीसीसीआई एमएस धोनी के फेयरवेल को प्लान करती है। आपकी क्या राय है धोनी के फेयरवेल मैच को लेकर, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और हां, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।